कलकल करती निर्मल जलधाराओं के बीच झिलमिलाते ये गगनचुंबी भवन वैभवशाली अतीत की कहानी कह रहे हैं। मैं जामुनी हूं। यहां पर अपनी बड़ी बहन बेतवा से आकर मिलती हूं। यहां पर मेरे करीब से गुजरा है समय का पहिया। काल के कठोर आघातों से बचाकर मैंने संजोई है ओरछा के वैभव की अनेक गाथाएं। अरे खट 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 तेगा बाजे रन में चपक चपक तरवार लागे ने जा फट जाए भेजा देवा निकल जाए बाबा। बुंदेलखंड को वीरों और योद्धाओं की भूमि माना जाता है। शौर्य और पराक्रम की पताका फहराने वाले बुंदेले अपने जज्बे के कारण इतिहास में अमर हो गए। वीरता, त्याग और भक्तिभाव से परिपूर्ण एक ऐसा नगर ओरछा जो बुंदेली माटी का गौरव कहा जाता है। खूबसूरत महलों और भव्य मंदिरों को संजोए ये प्राचीन स्थान आज भी लोगों के कौतूहल का विषय है। यहां मौजूद स्थापत्य और शिल्प की बेमिसाल कारीगरी पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। आर्थिक, राजनैतिक और सामरिक मामलों में मध्यकालीन ओरछा राज्य भारत के समर्थ राज्यों में गिना जाता था। वर्तमान ओरछा नगर में प्रमुख आकर्षण का केंद्र है भगवान श्री राम राजा। कोटि कोटि श्रद्धालुओं के अगाध भक्ति भाव से यहां आध्यात्म की त्रिवेणी बह रही है। सर्व व्यापक राम के दो निवास हैं खास, दिवस और छा रहत है रैन अयोध्या। जनविश्वास है कि रानी महल में विराजमान भगवान श्री राम ओरछा राज्य के राजा हैं। तथा वे दिन के समय ओरछा में राजा की भांति निवास करते हैं और रात्रि विश्राम करने के लिए अयोध्या चले जाते हैं। आज भी ओरछा में भगवान श्री राम को लोग राजा के स्वरूप में ही पूजते हैं। श्री राम राजा की दैनिक सेवा पूजा राजा की भांति संपन्न होती है। समय की पाबंदी के साथ
राजभोग एवं मंगला आरती की दिव्य छटा बहुत ही मनोरम है। श्री राम राजा को प्रतिदिन राजा की भांति सलामी दी जाती है और इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से सैनिकों की खास व्यवस्था है। श्री राम राजा की मूर्ति के बारे में बहुत ही रोचक कथा है। ओरछा नरेश मधुकर शाह की धर्मपत्नी रानी गणेश कुंवर भगवान राम की अन्य अनन्य भक्ति थी। उनकी साधना और तप से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम अयोध्या से उनके साथ चलकर ओरछा आए हैं। उनके लिए जो मंदिर बनवाया गया था भगवान के लिए, वो अधूरा था, तो महारानी ने सोचा कि अपने महल में बैठा के ही पूजा अर्चन करेंगे। वो महल जब तैयार हो जाएगा तो हम फिर वहाँ विराजमान करा लेंगे अपने भगवान को। जब वो तैयार हुआ तो महारानी ने भगवान से प्रार्थना की वहाँ ले जाने के लिए, तो भगवान फिर वहाँ से नहीं उठे, उनके महल से वहीं विराजमान हुए। महाराज रुद्र प्रताप ने गढ़ कुंडार के स्थान पर ओरछा को राजधानी बनाने का निश्चय किया। बुंदेलखंड का ओरछा राज्य बुंदेली शूरवीरों की ऐश्वर्यशाली गाथा बयान करता है। इतिहासकार मानते हैं कि पहले बुंदेली राजाओं की राजधानी गढ़ कुंडार थी और ओरछा का भूभाग उनके राज्य की सीमा के अंतर्गत था। कुछ इतिहासकारों ने गढ़ कुंडार को बुंदेली राजाओं की असफल राजधानी करार दिया है। टीकमगढ़ जिले के उत्तरी भाग में मौजूद गढ़ कुंडार का किला अजय दुर्गों की श्रेणी में आता है। वास्तु की नजर से यह किला बहुत ही अजीबोगरीब है। इसका अजूबापन किले के भीतर जाने पर पता चलता है। मीलों दूर से यह किला दिखाई दे जाता है, किंतु पास पहुंचने पर यह चारों ओर से घिरे पहाड़ों में गुम हो जाता है। किले का मुख्य दरवाजा मुगल राजपूत शैली का है। सप्तकोणीय गोलाकार मीनारें इसकी खूबसूरती बयान करती है। इसमें मौजूद महल 5 मंजिलों वाला है। ये मुगल राजपूत स्थापत्य का बेजोड़ नमूना है। दरअसल गढ़ कुंडार चंदेल काल में चंदेल राजाओं का सैनिक अड्डा था। इसमें मौजूद सुरंगें, तहखानों में बने विशेष प्रकार के कमरे आदि इसकी विशिष्ट संरचना दर्शाते हैं। गढ़ कुंडार ने देखा है चंदेलों, खंगारों और बुंदेली राजाओं के वैभव को। बुंदेली राजधानी ओरछा जाने के बाद गढ़ कुंडार वीरान हो गया था। किंतु ओरछा नरेश वीर सिंह देव ने 1674 ईस्वी में गढ़ कुंडार का जीर्णोद्धार करवाया था। ओरछा गैजेटियर में सर जॉर्ज ए प्रियर्सन ने ओरछा के बारे में लिखा है
कि वैशाख शुल्क 13वीं तिथि विक्रम संवत 1588 अर्थात मई सन 1531 में राजा रुद्र प्रताप द्वारा ओरछा में एक बड़े किले की आधारशिला रखी गई। दरअसल महाराज रुद्र प्रताप ने यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और मनभावन दृश्यों को देखते हुए यहाँ नगर बसाने की योजना बनाई होगी। पूर्व दिशा में बहने वाली बेतवा नदी और दक्षिण दिशा से आने वाली जामुनी नदी ओरछा नगर को प्राकृतिक सुरक्षा भी प्रदान करती हैं। इस स्थान के आसपास झाड़ीदार घना जंगल भी है। इस स्थान को तुंगरणे भी कहा जाता है। प्राचीन ओरछा नगर लगभग 12 कोस यानी 18 वर्ग किलोमीटर में फैला था। नगर नियोजन तथा वास्तु के साथ साथ सुरक्षा हेतु ओरछा नगर 7 विशाल परकोटों से घिरा था, जिनमें से 3 परकोटों के भग्नावेश आज भी दिखाई देते हैं। उल्लेख मिलता है कि महाराज रुद्र प्रताप के दिवंगत होने पर उनके बड़े बेटे भारती चंद्र ने सन 1531 ईस्वी से 1554 ईस्वी तक बुंदेलखंड राज्य पर शासन किया। चंद्र ने अपनी सामरिक और राजनैतिक कार्यकुशलता का परिचय देते हुए इस विशाल साम्राज्य की राजधानी ओरछा को बनाया। ये बुंदेली इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। भवन निर्माण, वास्तुशिल्प और स्थापत्य के बेजोड़ नमूने इसी दौर में गढ़े गए। पत्थरों को तराश कर रची गई ऐश्वर्य और वैभव की अमित गाथाएं जो आज के सैलानियों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर करती हैं। सन 1539 के आखिर तक नगर की प्रमुख इमारतें बनकर तैयार हो चुकी थीं। इनमें खास तौर पर विशाल परकोटों और बुर्जों वाला शानदार विशालकाय राजा महल, रानी महल, दीवान खाना इत्यादि शामिल हैं। सन 1574 ईस्वी में भगवान श्री राम राजा की स्थापना के बाद से ये महल श्री राम राजा मंदिर के नाम से जाना जाता है। मधुकर शाह के हृदय में भी और महारानी गणेश कुंवर के हृदय में भी, वो राम भक्त और वो कृष्ण भक्त, तो भक्ति द्वंद्व आपस में जब हुआ तो उसके विषय में जो है चित्रांकन मुझे करना था, तो एक चित्र के माध्यम से अधिक मैं क्या दर्शा सकता हूँ, ये मैंने प्रयास किया उसमें। और विशेषता ये रही कि बुंदेलखंड के कल्चर को लेकर के, बुंदेलखंडी पहनावा को लेकर के फिर उस चित्रों का निर्माण किया। मंदिरों और शानदार महलों का नगर ओरछा अपनी पुरातात्विक धरोहर के कारण आज भी लोगों की जिज्ञासा का केंद्र है।
शिखर वाला चतुर्भुज मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये मंदिर ओरछा का सबसे ऊंचा और भव्य मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण महाराज मधुकर शाह द्वारा सन 1559 से 1574 के दरमियान करवाया गया था। मूल रूप से भगवान श्री राम राजा की स्थापना के लिए इस मंदिर का निर्माण किया गया था। हे राम बोलो राम सीता राम भजो राम जय सिया। किंतु रानी महल में राम राजा की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस मंदिर में भगवान विष्णु की चतुर्भुजी प्रतिमा स्थापित की गई। वातायन और गुंबद शैली के अनेक प्रयोग इस मंदिर में दर्शनीय हैं। विशाल द्वार, कलात्मक शिल्प और भीतरी नक्काशी इस मंदिर की प्रमुख विशेषता है। ओरछा नगर के उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित ये भव्य मंदिर लक्ष्मी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। सामने से देखने पर यह मंदिर त्रिकोण नजर आता है, जबकि भीतर आंगन में पहुंचने पर इसके चारों कोने दिखाई देते हैं और चौकोर नजर आता है। दरअसल ये मंदिर अष्टकोणीय वास्तु का अद्भुत नमूना है। सन 1618 ईस्वी के लगभग महाराज वीर सिंह देव प्रथम ने इसे बनवाया था। सुंदर छज्जे वाला द्वार, गुंबद और हिंदू शैली के शिखर मंदिर की शोभा में चार चांद लगाते हैं। मंदिर की भीतरी दीवारों पर दुर्गा गणेश आदि देवताओं की प्रतिमाएं मंदिर के धार्मिक महत्व को दर्शाती हैं। कालांतर में इस मंदिर की दीवारों तथा छतों पर रंग बिरंगे चित्रों को उकेरा गया। ओरछा कलम या राजपूत कलम के नाम से मशहूर ये चित्र शैली आज भी कलाकारों को सोचने पर मजबूर करती है। इन चित्रों में प्रयुक्त गेरुआ, काले, हरे, नीले, पीले, जामुनी और लाल रंगों की चमक आज भी बरकरार है। इन चित्रों के साथ लोगों ने छेड़छाड़ करके इन्हें काफी नुकसान पहुंचाया है। गौरतलब है कि इन चित्रों को चितेरों ने ऊंचे प्लेटफॉर्म पर लेटकर बनाया होगा, जो कि काफी कठिन और थका देने वाला काम जान पड़ता है। घोड़े हाथी सवारों की पंक्तियां, झंडे वाले सवार, युवतियां और देवताओं की अनेक आकृतियां इनमें सौंदर्य बोध के साथ चित्रित की गई हैं।
प्रधान रूप से भगवान के 24 अवतारों की झांकियां मनोहरी दिखाई देती हैं। झांसी का किला और अंग्रेजों के साथ 1857 में हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को भी इसमें बारीकी से उकेरा गया है। लक्ष्मी मंदिर के अंदर 17वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक के चित्रों का पूरा इतिहास मिलता है। उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जो कुछ फिगर्स में रंग लगाए गए हैं उन्हीं रंगों को गहरा करके आउटलाइन में लगा दिया गया है। बुंदेलखंड के समानांतर मुगल शैली थी, मुगल शैली में एक ही रंग को पूरे फिगर के चारों तरफ लगा दिया गया, उससे लगता है कि जैसे फिगर जो है वो अलग से चिपका हुआ है। बुंदेलखंड की शैली में ऐसा नहीं है। बुंदेलखंड की शैली में चित्र जो है वो पृष्ठभूमि का हिस्सा बन जाता है और ये सारा का सारा जो है वो लक्ष्मी मंदिर रोड से मिलता है। ओर से छोर तक कटिबद्ध सी लिपटी बेतवा और जामुनी नदियां ओरछा नगर की खूबसूरती में चार चांद लगाती है। बेतवा के किनारे चट्टानी भूभाग पर फैले जंगल और उनमें स्थित कई पुरातात्विक अवशेष इतिहास के अनछुए पहलुओं को अपने भीतर समेटे नजर आते हैं। आजादी की लड़ाई के अजय सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ओरछा के जंगलों में काफी समय बिताया था। क्रांतिकारियों की अधिकांश योजनाएं यहां पर बनाई गईं। उनकी स्मृतियों को सुरक्षित रखने के लिए यहां पर चंद्रशेखर आजाद का स्मारक बनाया गया है। यहाँ की पहाड़ियों में बसे एक गांव का नाम भी आजादपुरा है। चतुर्भुज मंदिर के ठीक सामने पूरब दिशा में राजा महल और राजा मंदिर स्थित है। मध्यकालीन स्थापत्य का ये उम्दा नमूना है। गोल गुंबद, मेहराबे, नक्काशीदार छज्जे, बेल बूटे, विशाल दरवाजे। और उनके रोशनदान इस महल को भव्यता प्रदान करते हैं। ये बड़े आकार का रोशनदान खास तौर पर राजा मधुकर शाह ने भगवान के दर्शन हेतु बनवाया था। 1531 में निर्मित राजा महल कई छोटे बड़े मंडपों, दालानों और कमरों से सुसज्जित है। इसमें तहखाने, भूतल और प्रथम तल पर अनेक कक्ष हैं।
जो रनिवास और राजा के निजी इस्तेमाल में आते होंगे। बड़े आंगन के साथ इसके दो दालानों में कुछ भित्ति चित्र अंकित हैं, जो लगभग 17वीं 18वीं शताब्दी के जान पड़ते हैं। लक्ष्मी मंदिर की तरह से चित्र दीवार और छतों पर ही उकेरे गए हैं। इनमें भगवान के अवतारों का चित्रण प्रमुख है। धार्मिक चित्रों के अलावा शिकार और योद्धाओं का चित्रण भी यहाँ नजर आता है। एक चिड़िया के शिकार का बहुत ही कलात्मक चित्र मौजूद है, जो ओरछा कलम के बेहतरीन चित्रों में से एक है। आज दिन सोने को महाराज, बुंदेली लोकगीत की पंक्तियां यहाँ के अतिथि सत्कार को बयान करती हैं। बुंदेलखंड की मेहमान नवाजी के चर्चे आगरे और दिल्ली के लाल किले तक पहुंच गए। महाराजा वीर सिंह देव प्रथम द्वारा बनवाया गया जहांगीर महल दोस्ती और खातिरदारी का बेमिसाल नमूना है। इतिहासकार मानते हैं कि जहांगीर सन 1618 ईस्वी में बतौर शाही मेहमान ओरछा पधारे थे। उनकी खातिरदारी और दोस्ती की याद में जहांगीर महल तामीर करवाया गया। शानदार, ऊंचा और नक्काशीदार छज्जे वाला मुख्य द्वार, जो कि पूर्व दिशा में खुलता है, इस दरवाजे पर गणेश, हाथी, कमल के फूल और तोरण आदि जहां हिंदू वास्तु को दर्शाते हैं, वहीं नक्काशी, मेहराबें और गुंबद मुगल शैली के प्रतीक हैं। शुरुआती दिनों में जहांगीर महल को हरे और नीले रंगों से सजाया गया था। सौ से ज्यादा कमरों वाले इस विशालकाय महल में एक बहुत बड़े आंगन के साथ 8 छोटे मझोले आंगन मौजूद हैं। अनेक नृत्य मंडप, नक्काशीदार छज्जे, और बड़े बड़े दालान इस महल की शोभा बढ़ाते हैं। और खास तौर पर सुंदर गुंबद, विभिन्न प्रकार की मेहराबें, तोड़े, चौरस छतें और छोटे आकार के खंभे इस महल की विशेषता हैं। बेतवा और जामुनी के संगम का बेहंगम दृश्य जहांगीर महल से बड़ा खूबसूरत दिखाई देता है। राजा महल के उत्तर पूर्वी हिस्से में बना शीश महल आज भी बहुत सुरक्षित अवस्था में दिखाई देता है। इसका निर्माण
राजा उदयत सिंह ने 1756 ईस्वी में करवाया था। प्रारंभ में इसे रंग बिरंगे शीशे के टुकड़ों से सजाया गया था, इसलिए इसे शीश महल कहते हैं। ओरछा के अन्य महलों की तुलना में ये छोटे आकार का है, किंतु ऐशो आराम की दृष्टि से इस महल में अनेक कमरे, मंडप, आंगन और छज्जे बने हुए हैं। ये इंडो इस्लामिक स्थापत्य का बेजोड़ उदाहरण है। शीश महल में मौजूद कमरों में बने रोशनदान और झरोखे कमरों को गर्मी और सर्दी के अनुसार वातानुकूलित बनाए रखते हैं। वर्तमान में ये महल एक विश्राम गृह का रूप ले चुका है। और मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग इसकी देखरेख करता है। ग्वालियर से खजुराहो जाते समय रास्ते में ओरछा पड़ता है, तो ये एक बहुत अच्छे सर्किट के रूप में डेवलप हो सकता है कि लोग ग्वालियर आएँ और वहाँ से ओरछा रुकते हुए खजुराहो जाएँ। हम इसी दिशा में काम कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि ओरछा बहुत ही अच्छे टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में, पसंद किए जाने वाले डेस्टिनेशन के रूप में आगे आने वाले दिनों में जाना जाएगा। श्री राम राजा मंदिर के सामने मौजूद ये ऊंचे स्तंभ जो सावन भादों के नाम से जाने जाते हैं, पक्की छोटी ईंटों से बने इन स्तंभों का निर्माण 1656 ईस्वी के आसपास का माना गया है। जब हम लोग शहर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे सावन भादो नाम के दस्तगीर दिखाई देते हैं। ये जो दस्तगीर हैं ये शाफ्ट्स हैं, पिलर्स हैं, बहुत ऊपर जाते हैं और बेसमेंट, वहाँ बेसमेंट तक नीचे जाते हैं। ये एक ईरान की पद्धति है जहाँ पे उसको बदगीर बोलते थे। ये विंड शाफ्ट्स हैं और ऊपर जहाँ पे विंड करंट है वहाँ से विंड कैचर्स हैं, ये विंड पकड़ते हैं और नीचे राजा राम मंदिर तक उनकी ठंडी हवा आती, तो नीचे से कहीं पे सुरंग है जिससे वो हवा ले रहे हैं और आप वहाँ पे आज भी हाथ लगा के देखेंगे तो ठंडी हवा आपको आती हुई दिखाई देती है। ओरछा नगर के पश्चिमी भाग में बेतवा के किनारे दिखाई देती है कलात्मक छतरियां, जो कि हिंदू राजाओं की समाधियां हैं। दरअसल मध्यकाल के अंतिम दौर में मुगल मकबरों की तर्ज पर राजपूत राजाओं ने भी मकबरे बनवाना आरंभ कर दिया था। इन्हें छत्रियां कहते हैं। बुंदेली राजाओं ने भी छत्रियों का निर्माण करवाया था। यहां मौजूद राजा वीर सिंह देव बुंदेला की कलात्मक छत्री में खंभों के साथ मुड़े हुए मेहराब, छज्जे, शीर्ष और धारीदार गुंबदों की बेहतरीन कारीगरी देखने को मिलती है। रक्त रंजित युद्धों और बनते बिगड़ते संबंधों की वीर गाथाएं इतिहास के पन्नों में अंकित हैं। राजा भारती चंद्र की मृत्यु के बाद मधुकर शाह बुंदेला ओरछा के राजा बने। मधुकर शाह को अपने शासनकाल में अनेक बार मुगल सेनाओं का सामना करना पड़ा। स्थापत्य कला के अलावा ओरछा नगर कई मूर्धन्य ऐतिहासिक चित्रों के लिए हमेशा जनमानस की स्मृति में रहा है। खासतौर पर 1688 ईस्वी में महाराज जुझार सिंह के राज में घटी एक हृदय विदारक घटना, जिसके पश्चाताप की आग में बुंदेली समाज वर्षों से झुलस रहा है।
महाराज मधुकर शाह के परपौत्र और राजा वीर सिंह देव के पुत्र लाला हरदौल पराक्रमी और होनहार थे। वे मल्ल युद्ध के अच्छे जानकार थे। तत्कालीन राजा जुझार सिंह के छोटे भाई लाला हरदौल बुंदेली माटी के ऐसे सपूत हैं जो त्याग और बलिदान के कारण जगत में अमर हो गए। बहुत दिनों से बहुत कुछ देख सुन रहा हूँ हुजूर। क्या देख सुन रहे हो? कहने की हिम्मत नहीं होती। कहो खान साहब, क्या देख सुन रहे हो? बोलो बोलो खान साहब, क्या देख सुन रहे हो? हुजूर, छोटे मुंह बड़ी बात, बात कहते कलेजा मुंह को आता है। ओ, ओ, ओ मैंने तो सुना है हुजूर, मैंने तो सुना है। कहाँ सुनी आपने? कहाँ सुनी खान साहब? साफ साफ बोलो। हुजूर, गरीब की जान बख्शे तो ब्याह करूं? हाँ, हमने आपकी जान बख्शी। हुजूर, मैंने सुना है कि महारानी साहिबा और हरदौल। महारानी साहिबा और हरदौल? महारानी साहिबा और हरदौल? मैंने सुना है हजूर कि महारानी साहिबा और हरदौल, और हरदौल और महारानी साहिबा दोनों के बीच कुछ दाल में काला है। खान साहब, उल्टा पापिन, उल्टा पापिन, चरित्रहीन। उज्जवल कुल को कलंकित करके अब हमसे पूछ रही है पापिन, अब परेशानी कैसी? हाँ महारानी, समझ में तो एक बार हमारे नहीं आई थी जो तुम्हारे सुच्चे ढोंग को सही समझत रहे। अरे पापिन, कोई पाप की ऐसी कृपाल करनी थी तो मौके जहर दे रहती और खुद गुलछर्रे उड़ाती हरदौल के संगे। एक बात है, अगर तुम वास्तव में सती हो तो अपने हाथन से हरदौल को जान दे दो। बुंदेली लोक जीवन में अनेक करोड़ बलिदान की गाथा आज भी जीवंत है। आज भी लाला हरदौल बुंदेलखंड जनपद में लोक देवता के रूप में प्रतिष्ठित है। हर शादी ब्याह में उन्हें निमंत्रण दिया जाता है।
चबूतरे स्थापित हैं। लाला हरदौल का जस गाते गाते ग्रामजन रो पड़ते हैं। राजा इंद्रजीत सिंह और राय प्रवीण की प्रेम कहानी बयान करता ये राय प्रवीण महल गणिका महल के नाम से भी जाना जाता है। नवीन नवीन अति नव रंग राय सुवेश। कुछ विद्वानों ने इसका उल्लेख आनंद मंडल बाग के नाम से भी किया है। मुगल स्थापत्य की खूबियों वाले इस महल में छोटे खंभों वाले छज्जे, दालान और फव्वारों वाले बाग की शानदार योजना नजर आती है। ईस्वी में राजा इंद्रजीत द्वारा बनवाए गए इस महल में गूंजते हैं राज नर्तकी रंग प्रिया प्रवीण राय के कवित और सुनाई देती हैं घुंघरू की झनकारें। ऐसी जनश्रुति है कि राजा इंद्रजीत के दरबार में 6 प्रसिद्ध नर्तकियां हुआ करती थीं। प्रवीण राय सबसे ज्यादा सुंदर, संगीत और नृत्य में सबसे ज्यादा निपुण थीं। संगीत विशारद के अलावा वे उस समय की श्रेष्ठ कवित्री भी मानी जाती हैं। राय प्रवीण की खूबसूरती और फन की तारीफ सुनकर सम्राट अकबर ने शाही फरमान भेजा और उन्हें एक बार दिल्ली दरबार में तलब किया था। सम्राट अकबर उन्हें राजनर्तकी बनाकर दिल्ली दरबार में रखना चाहते थे, लेकिन प्रवीण राय ने अपनी सूझबूझ और कवित कौशल का परिचय देते हुए कहा, विनती राय प्रवीण की सुनिए साह सुजान, झूठी पातर भखत है बारी बायस स्वान। आईने अकबरी में इस घटना का जिक्र करते हुए अबुल फजल ने लिखा है कि अकबर कवित्त में छिपे सार को समझ गए और राय प्रवीण को इनाम भेंट आदि देकर सम्मान पूर्वक ओरछा की ओर रवाना किया। आचार्य कवेंद्र केशवदास जी की जन्मभूमि और कर्मभूमि ओरछा रही है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया एवं रामचंद्रिका जैसी अनेक कालजयी कृतियों को रचने वाले महाकवि पंडित केशवदास जी का साहित्य जगत में विशेष स्थान है। परमारण विधानी दीहि कलश कृपानी। केशवदास जी की जन्मभूमि ओरछा में केशव भवन के नाम से विख्यात है यादों के धुंधलके में छिपा केशव भवन, जो रीतिकालीन काव्य कवि प्रिया के मधुर प्रसंगों का गवाह है। कहते हैं कि प्रवीण राय ने कवि केशवदास जी से काव्य शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने कवि प्रिया में प्रवीण राय का जिक्र बारंबार किया है। अगर हम
कवि के रूप में देखें तो महाकवि केशव जो हैं वो उस समय ओरछा में ही थे और राजाश्रय में थे। उनकी अनेक रचनाओं को रीतिकाल के हिंदी साहित्य में आज भी बहुत आदर के साथ पढ़ाया जाता है, लेकिन केशव अकेले साहित्य या कविता के विद्वान नहीं थे, दरअसल वे आचार्य थे। उन्हें संगीत और नृत्य और चित्रकला की भी बहुत ही गहरी समझ थी। साहित्य ग्रंथों के अलावा उन्होंने रसिक प्रिया और कवि प्रिया ये दो अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं जो हमारी लालित्य परंपरा को समृद्ध करते हैं और केशव की बहुमुखी प्रतिभा का परिचय भी देते हैं। जागरूकता के अभाव में पुरातात्विक स्मारकों से छेड़छाड़ के मामले अक्सर देखने को मिलते हैं, किंतु ओरछा में हुई पुरातात्विक सामग्री की चोरी से संबंधित घटनाएं मन को दुख पहुंचाने वाली हैं। हमारी जो चोरियां हो रही हैं देश भर में, खासतौर से बुंदेलखंड में हम लोग जो देखते हैं कि यहाँ पर यत्र तत्र बहुत सारा सामग्री ऐसे ही पड़ा हुआ है जो कि स्कैटर्ड है पूरे क्षेत्र में, और एक से एक अच्छी मूर्तियाँ और बेशकीमती मूर्तियाँ यहाँ पर पड़ी हैं धरोहर ऐतिहासिक। हम उनकी सुरक्षा के उपाय कर रहे हैं लेकिन बहुत बड़ी संख्या में, क्योंकि बहुत बड़े क्षेत्र में ये है जहाँ की हम हर जगह पे हमारी पहुँच नहीं है, लेकिन उन घने जंगलों से और घने टूटे भग्न मंदिरों से जो तस्कर हैं और जो ऐसे अवांछनीय तत्व हैं उन मूर्तियों को यहाँ से चोरी कर रहे हैं, वो बड़ी ही गंभीर बात है। पिछले दो दशकों में ओरछा नगर को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के अनेक प्रयत्न किए गए हैं। ओरछा में पर्यटन बढ़ाने के लिए भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से कई कार्यक्रम चलाए गए हैं। पवित्र नगरी प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने ओरछा में कई विकास कार्य किए हैं। बुंदेली संस्कृति की स्पष्ट छाप ओरछा के लोगों में दिखाई देती है। सामान्यतः यहाँ के लोग खेतीबाड़ी और पशुपालन के जरिए अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन हाल ही में आए बदलाव से कुछ और व्यवसाय भी अस्तित्व में आए हैं। पिछले दशक से पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, इस कारण ओरछा में होटल, खानपान, स्थानीय शिल्प आदि व्यवसायों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। Welcoming, and they are really nice and ready to help to organize some visits. कला, साहित्य और संस्कृति से जुड़े अनेक आयोजन ओरछा में होते रहते हैं। राष्ट्रीय रामलीला मेला, रामकथा, लोक कलाओं में प्रदर्शन, कार्यशालाएं इत्यादि। मध्य प्रदेश आदिवासी कला परिषद ने ओरछा में रामकथा शैली, रामायण शैली, रामायण चित्रों और रामायण से जुड़ी वस्तुओं का संग्रहालय स्थापित करने का प्रयास किया है। राम, राम, राम।
और त्याग की भूमि ओरछा संसार के उन गिने चुने स्थानों में से एक है जो सदियों की धरोहर को संजोए हुए है। वैभवशाली अतीत के धुंधलके में छिपा ओरछा नगर अभी भी वर्तमान की रोशनी में जगमगाने की बाट जोह रहा है।